सज्जन मैं झंकड़वासी विद्याप्रदाय ज्ञानदाय कल्याणमय स्नेहमय बात्सल्य मा सर्वं आशीर्वाद निकट उपस्थित हो द्वितीय रजनी प्रथम स्तवक निकट सुंदर कथा पदे सुंदर कहानी पदे गान मनस्थ कर सुंदर कहानी कौन सुंदर कथा कौन ना भारत पद टे गान भारत मान इंडिया की भारत मान इंडिया तो बोली मो सहित कर बसा पर तोर सहित मोर की संपर्क ना वो भारत कौन महाभारत अच्छा महाभारत जी चाहू आप महाभारत आम पढ़ा कहीं महाभारत को आम शुणा कहीं महाभारत को पढ़ले शुणी आम लाभ कौन हम आज्ञा भगवान व्यास संस्कृत काव्यकर्ता भगवान व्यास पदुटिए श्लोक न्याय दे आम कहीं महाभारत को पढ़वा शुणा कहीं पदुटिया श्लोक गान कर बड़कारखाना पु आखिया संस्कृत काव्यकर्ता भगवान व्यास कोले भारत श्रुति मात्रेण कोले ए महाभारत को श्रवण कोले आगे आमर लाभ कौन कोले गंगा स्नान न मानव कोले गंगा स्नान कोले पुण्य मिले ना ता थारु अधिक पुण्य आम को मिले महाभारत को पढ़िले आउ सुनिले काहे की वाले कृष्ण ये कृष्ण ये नाम रूप पाखे जे तो सारी न पारे बाबी पाप हाय पेने पुस्तक कमा किसी दिखे नु महाभारत को पढ़िले जदि आमे बापा महाभारत पाठ करिबा प्रतिटि पृष्ठा रे आमे कृष्णंकर नाम को पढ़िबा जदि महाभारत को श्रवण करिबा प्रति पदरे आमे कृष्णंकर नाम को श्रवण करिबा कृष्णंक नाम धरिले कृष्णंक नाम को श्रवण कले शरीर भीतर पाप राशि दूरीभूत होई आज्ञा अमृत धार सृष्टि होई आसंतु सुनिबा समस्त महाभारत मुकुित केश राशि को बहन कर तार पुत्र संतान को खोजी बुलुची झड़ी पड़ुची दुई आखिर दुई धार अबिरल अश्रु झर क्रंदन कर दस मास दस दिन गर्भर जंत्रणा को सही जे पिलाटा को ए पृथ्वी पृष्ठ को ओल्हे आनी जे निजे भोक उपवसर रही पिलाटार पेट को मुठाए खाइबा को देछि जे निज शरीर रे चिराफटा पिंधि पिला को नूतन वस्त्र परिधान करबा को देछि हे मा से होछि मा पिलार जते बेले शरीर असुस्थ थाए पुअर मुंड पाखरे बसि देह मुंड को आंसू थाए तार मा पिला जदि विदेश यात्रा करे तार शुभ मन ना से केवल मा
पुआ जो दिन खाई थी ना पाई चिंती करे थाए तर मा पिला जो घर को फेरिनी पुआ बाट को चाह बस थाए तार मा आज्ञा संसार रे मा भली आउ के नहंती संसार रे मा सहित कहीं के समान हो पारे ना कहीं की आपण मानकर कवि देवदत्त प्रधान मा मानक पाई पदुटिए कहिले लो मा पदुटिए लिखिले कहले के ही सॉरी के जन्मदात्री ही पद परे के समान पारी मुखरे सब बेले रटन करू थाए पूर्णमी चांद जमिति सुंदर मो पुओटा सेई भली सुंदर मा 10 मास 10 दिन पेंटर रखी जन्म करती अरे पेंटर न हो सेटा पेट सेई तोर रखी जन्म ओडिया भीतर क्लियर न हो आपण मानकर भगवान व्यास देवदत्त प्रधान को कथा को सुने भगवान व्यास कहले 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 कोला दशा अध्याय आचार्य नो आचार्य नो सतम पिता सोहे जन आचार्य हेले जने बापा हे परंतु हेले हजारे जन बापा केबे हेले जने मां हे परिबे ना ना मां पुरा हजारे जन बापा केबे हेले जने मां हे परिबे ना ना काहे की से होछि मां मां नारी कवि अपर्णा कहले नारी कवि अपर्णा पदुटी लिखिले आ गया कोन लिखिले कोन कहिले परे मां परी हे बारे उत्तम जीवन जापन साक्षात वसुधा
दस दिन गर्भरे रखिला गर्भ जंत्रणा को सहिला आम को ये पृथ्वी पृष्ठ को ओल्हे आनिला पृथ्वी रो आलोक रे आम को आलोकित कला निजे उपवास रे रही आम को खाइबा को देला निजे चिरा फटा पिंधि आम को भलो पिंधिबा को देला तापर मध्य आमे केते जण अछे जे मां को सम्मान दउछे मां रो सेवा सुश्रूषा करूछे मो माई कथा मामू बुझला ने बोली माई मोर दिज माई सांगे पलैला बनवाली आज्ञा जेतेबेले आमे माने छोटिया हेथिलु आमे माने जेतेबेले छोटिया हेथिलु मा जेतेबेले आमे अळियो झट करि जेतेबेले धुली बाली रे गड़ी जाउथिलु मा मो कु चली आनी बापा कालीपण तोरे शरीर को पछि पकाउथिला आमे न खाउथिले आमे को बुझासुका करि खाइबा को दउथिला आज जेतेबेले बापा मा बुधावृद्ध हे गले आमो स्थान को जेतेबेले बापा मा चली गले आज जदी बापा टिके घरे परिसरा करी दउछंती मा जदी दांड आडू बुली आसी बाली गोड़ रे बाली पाद रे घरे चढ़ी जाउछंती पुआ बहु बापा रखै देबे तोरा बुढ़ी कथा कहू दांड पटो सोइबु तू काहे भितर गेलु मार्बल घर रे बाली कर देलु कि एता थोर ओलै भी चाकर नै आसिनी नॉनसेंस इडियट बाजे फास्के आसु बुढ़ी सासु पुओ मार्बल घर करी बहु टिके बाली पाद रे चली आसिले बापा हबन बापा मा को दांड पटो घरे सुआई दियो आउ सेठी मुतु बाली पाद रे चली आसुचंदी मार्बल घर दाग होई जिवो आउ आमे जते बेले बापा मा को ऊपर झाड़ा परिसरा करूथिले बापा मा को जते बेले लुगा पटा सब असना आउथिला बापा मा को हम को फोपाड़ी दैथिले ना रे से तळे बुढ़ी फोपान न थला ठीक आमे बुझी पान न थारे आगिया हाँ सही निजे बुझिए मूर्ख निजे बुझनी अन्य को बुझो हाँ तथा तो चेष्टा करिया आगिया जत्ते बड़ा पिलाटी छोट है थाय जदि बापा को हाथ धरी पिलाटी हाथ किबा बाजार को दुकान बाजार को जाउ छी ओ पिलाटा को ले जाउ थी बेले बापा जदि कोठी चढ़े के बबे पचारीबो बापा सेटा कौन इरे धन सेटा पर चढ़े बबू जी आउ किछि बात गला परे ओ पचारीला बापा सेटा कोनो मो गेलु सेटा पूरा चढ़ै बबौ जी आउ किछि बात गला परे ओ पचारीला बापा सेटा जो बबौ थिला से कोनो मो धन गेलु सुना सेटा पूरा चढ़ै बबौ थला रे बा तमु पाट फुटो जो गेलो किने भबरा बापा गेलो करू गम स्नेह तार ए नानी कहिबुनु नानी जो तो नानी कबू बुढ़ी गाल रु हाथ मारचे बोली न तो नानी मते डिवोर्स छारापत्र दे दबो कोइबुनी हे मोर सज्जन हा हा जेते थरो पुओ पचारिला बापा सेटा कोन बबौ छी पुओ बापा सेते थरो कहिसेंदी बापा रे चढ़ैबो कहू बाबूजी जेते बेले बापा बुद्ध होइ गले हा हा पुओ जौवन प्राप्त होइ छी ओ आगिया धान काटिबा पाई बिल को चली गला हे मा पुओ बिल को किछि कार्य करिबा पाई बा धान काटिबा पाई चली गला पुओ घरे बुली बसी खाउथिबा बेले आज जाई छी धान काटिबा पाई बापा मन बुझिलानि बुढ़ा बापा आखि को भलो रे देखा जाउनी तोड़ा के हाथ रे धरी बुढ़ा बापा खंडिया दाटा को हाथ रे धरी बापा बिल को चली गले अंडा आ मो पुओ धान काटि जे मु ददि दीबुदा काट दे मु पुगुडी हल्का पड़ जउ ना हला ये कथा को चिंता करी बुढ़ा बापा जते बेले बिल रे पहुंची गले बिल रे दुई गछ धान काटिबा परे दाटा को हुडा ऊपर रखि दे बापा जते बेले बुढ़ा बापा बसी पड़ि छथि किछि समय परे बुढ़ा कहले आउ जी जो दुई गछ काटि देबी आउ दुई गछ धान काटि देले मो पुओ
टिके सहज हे जिवो हां ये कथा को चिंता करी बुढा बापा दाटा को जते बेले खोजिन बोलन बुढा थोल जई हां वृद्ध हेलेनी आखी को देखा जाउ नी दृष्टि शक्ति कमी गलानी हो बुढा बापा को दाटा देखा गलानी जी बापा डाकी देले पोरे हां बापा अरे बापा दाटा कोठी थोइली पाउ ए बापा नो सेडी पुरा थुआ जी नोनु बुढा आउ थरे दरांदिले हां दाटा मिलिलानी ना बुढ़ा कहले बापा रे हां बापा अरे पो दाटा मिलुनी ए बापा दाबरो सही हुडा तळे थुआ जी नोनु आउ थरे जते बेले दाटा न मिलिला बुढ़ा बापा कहले कोठी दाटा मिलुनी मते टिके खोजी दे दे तो धानो काटी ना खोजी बुढ़ा तो आखी की तो देखा जाउ ने काई जाइतुलु बुढ़ा चटकणा पके घर को जा ओडा काम टाइम रे 50 रो पते दा कोठी होची दा कोठी होची हे मोर सज्जन कोनिला आज का दिन रे आमे माने उच्च शिक्षिता युवक युवती माने आमे माने सेई जगह रे पहुंची छी आज्ञा आमे माने कुकुर को डलप गदी जाई पारु हो आमे घरे कुकुर को पोसीबा पई कुकुर पई अलगा बासन किनी पारु प्रतिदिन कुकुर को माछ मांस खाइबा को देई पारु कुकुर को ससन मान रस गदी ऊपर सोइबा को देई पारु जिए आमो पई 10 मास पर्यंत आमर दुख कष्ट को संभालिला जिए जो माम को 10 मास पर्यंत आमो को घर भरे बहिला सिए बापा मां को पई आमे किछि समय देई परु गाड़ी रंगिन मां को पिला बापा मां को पिला माने मारो मारी देउ छन हां हां बुड़की बाडो सुनली परा बुझु चलती जते बेले आमे छोटो होथिलु मो बापा मां कोन आमो के एमिति मारुथिले मा परा जने नारी नारी को अत्याचार करबा नारी ऊपर हाथ उठेबा नारी को मारो मारबा केते बड़ पाप ए कथा के बुझु ना हंती ओना सारे नारी की मारो माइले पाप हां अगर नारी की बाड़ले केते पाप मते कोई आपण मानो कर कवि बिलळ हां हां पदुटीय श्लोक न्याय दियंती नारी को मारो मारिले केते पाप हुए बोले ब्रह्म हत्या सहस्राणी ने कंदर्व धत संसार रे बापा तीनटा जिनिस अछि रामायण महाभारत भागवत ये तीनटा को आपण माने के न जानि छथि जे पाला वाला आइ हम अधिकाटा कहि नले खराब छेरो गप्प करलो पटियो ना राम वनवास कहानी शेषो बही कोन नाही आखिया कोनिला कोले ब्रह्म हत्या सहस्राणी कोले हजार ब्राह्मण को मारिले जेतिकी पाप हुए ताठारु अधिक पाप हुए गोटे छोटिया शिशु किंबा कन्या को बध कले हजार छोट पिला बध कले जेतिकी पाप हुए ताठारु अधिक पाप हुए गोटे गाभी को बध कले सारे ये बॉयलर कुकुड़ा छेली फेली एते आमे काटी दोचु मार दोचु हमर पाप हो नाही एते गाई की बाड़ले काई जेते पाप होबो हे मोर सज्जन पाटी तो गाई अरे वाटी तो काओ हां हुई जी तो काओ गाई की माने गाई पापो एते ज्ञानी को भीतर मु निजो को निजो मु हिन मन करू तमरो गर्भ करबा कथा गर्भ गर्भ हां तमरो गर्भ करबे आज्ञा हम मुड़िया लोक मु पाखर तमे अछो समस्त को मारिले पापो हुए ओ हुए छेली मेंढा देह रे कोनो जीवन नाही शास्त्र कहते गाई को हाल गोर को हाल जब घर आगे रहे घर को लक्ष्मी प्रवेश करंतु गाभीर ये मूत्र रो वासना जदि हम शरीर को स्पर्श करे हम शरीर रो केते गुडी रोग व्याधि दूर होए बापा सब ठारु बड़ो कथा होछि जदि वंश बुढी जाउछि बा कुल बुढी जाउछि
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୟୈଷ୍ଠିକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖି ଗୋମାତା ଦାନ କରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷା ହୁଏ। शास्त्र न्याय दिखती पदक श्लोक गाई देह नदी प्रवाहित गाई कौन संभव ये भूल बिलकुल भूल तुम पाला सका भूल ତିନିଟା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ମୁଁ କହୁନି ବାପା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବେଦ ନ୍ୟାୟ ଜିନିଷ କଣ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ବସ କହିଲେ ଗୋମୟଂ ଯମୁନା ସାକ୍ଷ ପୁତ୍ର ନର୍ମଦା ସୁଭା ଗଙ୍ଗା ଖିଅନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ମତ ଗାଈର ଗୋବର ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଘରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା, ପୂଜା ପୂଜି ହେଲା, ଗାଭୀ ଗୋବର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋବର ନେଣ୍ଡେ ଦରକାର। ହଁ, ଘରେ କିଛି ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋବର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଗାଭୀ ଗୋବରରେ ଯେକୌଣସି ଗାଈର ଗୋବର ହଉ କିମ୍ବା ବଳଦ ଗୋବର ହଉ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବାପା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମର ରୋଷେଇ ହଉଛି ପଛପଟେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ। ଗୋମୂତ୍ର ନର୍ମଦା ସୁଭା ଗାଈର ମୂତ ହଉଛି ଲୋମା ନର୍ମଦା ନଦୀ। ଗାଈ ମୂତ୍ର କେମିତି ନର୍ମଦା ନଦୀ ହେଲା? ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅଭକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କିଛି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଇଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ମାନେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରେ ଗାଭୀ ମୂତ୍ର ଚୋପାଏ ପଡେ। ଯଦି ସେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମ ଶରୀରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ, ପିତୃ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଜଳ ତର୍ପଣ କରିପାରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଗାଈ ମୂତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନୁ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈର କ୍ଷୀର ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଇଏ ତିନିଟା ନଦୀ ଗାଈ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଗାଈକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଗାଈକୁ ବଧ କଲେ ଯେତିକି ପାପ ଆଜ୍ଞା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ହୁଏ। ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବା ନାରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ତେଣୁ କୃପା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଆଜିକା ଦିନର ସମସ୍ତ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଦୟାପୂର୍ବକ ନାରୀ ଉପରେ କେହି କେବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ନା? ଯଦି ନାରୀ ଜଣେ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଏଠି ବସିକି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୋଲି ବାପା ଶୁଣିଥାନ୍ତି? ନାରୀ ନଥିଲା ଆମର ଗ୍ୟାସ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ନାରୀ ନଥିଲା ଆମକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ରେ ଚାଉଳ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ନାରୀ ନଥିଲା ଆମକୁ ଅଣ୍ଡିରାବାସ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଯେବେଠୁ ମହିଳା କଲେ ଗ୍ରୁପ, ସେବେଠୁ ଅଣ୍ଡିରା ହେଲା ଚୁପ। ଆଉ ସରକାର ବୁଝିଛନ୍ତି ନାରୀ ପୁରା ଆଗରେ, ସେ ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ ମାରିବେ, ଆମେ ଖାଲି ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିବୁ। ବସ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ଦେବେନି, ତେଣୁ ସେ ମାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି ମାଇଙ୍କୁ। ସିଏ ହଉଛି ମା, ମା ଜଣେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରତ୍ନରେ ଅଗ୍ନିହୀଳାକୁ ହାସ୍ତର ହସ୍ତରେ ଧରି ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛି, ସରସଜ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ମହାମାନବ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ।
कर्णगोचर है किए जड़े माँ तार पुत्र संतान को खोजी बुलू विचार कर कहले मु कौन करि परिबि सरसज्ञ रे शयन करिछि शरीर सारा सरबिद्ध होइछि उठि जबार शक्ति समर्थ मो निकट रे नाही मु कोन केबे हेले थारु उठि जाई परिबि कि देखि परिबि कि से मा के से बोली केवल कर्णगोचर जहा करूछु बा भगवान पर पाद पद्म को चिंता करूछंती कर्णगोचर करिछंती मा के तार पुत्र संतान को खोजि बुलुछि भगवान को चिंता करूछंती पितामह भीष्म